नमस्कार आज मैं आपको लो भसम के फ़ायदे बताऊंगा लोहा जो होता है ना उसी की भसम तैयार करी जाती है जिसे लो भसम के नाम से जाना जाता है या कई जगह लोहा भसम के नाम से भी जाना जाता है कई जगह पे कुश्ता फौलाद के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो ये सभी प्रकार की बीमारियों में हम किसी न किसी अनुपान के साथ इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं मगर जो ज़्यादातर बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा जल्दी आराम मिलता है उन बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप उन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकें इसकी मात्रा बता देता हूँ इसकी मात्रा जो होती है 125 सौ से लेके 250 सौ तक आप सुबह शाम शहद में मिला के या मलाई में मिला के या मक्खन में मिला के या गुलकंद में मिला के या आंवले के मुरब्बे में कीटक निकाल के फेंक दे उसमें डाल के या आप चवन प्रास में मिला के या किसी प्रकार की औषधियों से बने हुए शरबत में मिला के इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं अपनी बीमारी के अनुसार जिसमें आपको बताया जाए जिस अनुपान के साथ बताया जाए उस अनुपान के साथ इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं एक सौ का मतलब है एक चुटकी और ढाई सौ का मतलब है दो चुटकी इस तरह से आप आसानी से समझ जाएंगे तो कोशिश करूंगा मैं आपको इसी तरीके से समझा दूं ताकि आप आसानी से समझ के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकें ज़्यादातर बीमारियों में दिन में दो बार सुबह और शाम को इसका इस्तेमाल बताया जाता है मगर कुछ ऐसी बीमारियों में दिन में तीन बार भी इसका इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि किन बीमारियों में एक टाइम या दो टाइम या तीन टाइम लेना चाहिए किस अनुपान के साथ लेना चाहिए ताकि हमारी बीमारी जड़ से समाप्त हो सके ज़्यादातर बीमारियों को दो से तीन महीने में पूरी तरह से नष्ट कर देता है मगर पुरानी बीमारियों में जो ला इलाज बीमारी होती है उसमें इसको इस्तेमाल करने से थोड़ा समय ज़रूर लगता है मगर वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है बस हम इसे लोबसम को ऐसी चुटकी में मिला के ऐसे मत खाएं क्योंकि ये ऐसे कभी फायदा नहीं करेगा आपको इसलिए किसी न किसी अनुपान के साथ अपनी बीमारी के अनुसार इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं एनीमिया की बीमारी जिसे हम पांडू रोग के नाम से जानते हैं जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है ऐसे में इसका इस्तेमाल आप बड़े आसानी से बता देता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं बाजार से आंवले का मुरब्बा ला के उसे धो के उसकी गिटक निकाल के फेंक दें उस आंवले के मुरब्बे में एक चुटकी लोभसम डाल के उसे सुबह रोज़ाना खाली पेट लेना शुरू कर दें एक दिन में एक बार लेने से और लगातार इसका कुछ ही दमे समय तक इस्तेमाल करने से एनीमिया की शिकायत पूरी तरह से नष्ट हो जाती है अब कई लोग कहेंगे जी हमें शुगर की शिकायत है तो हम कैसे करें बता रहा हूँ आपको जिन लोगों को शुगर की शिकायत है या मान लीजिए किसी कारणवश किसी बीमारी में कई और भी अन्य बीमारी होती है जिसमें मीठा खाना मना होता है तो ऐसे में आंवला पचास ग्राम लेना है और उसमें दस ग्राम लोभसम डाल के अच्छे से मिला के और उसे एक चम्मच सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी एनीमिया की शिकायत पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी कई लोग कहते हैं जी हमें शुगर की शिकायत है हम कैसे मुरब्बा खाएं तो मैं आपको बता देता हूँ बाजार से 50 ग्राम के करीब सूखे आंवले ला के उसको पीस के पाउडर बना लें उस पाउडर में 10 ग्राम लोभ सब मिला के रख लें किसी डिब्बे में डाल के रख लें अब उसमें से चौथाई चम्मच पाउडर निकालें एक चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं कई लोग तो इसके कैप्सूल भर के भी इस्तेमाल करते हैं ऊपर से पानी पी जाते हैं या गाय का गुनगुना दूध पी जाते हैं जिससे उनको रक्त के जो कण होते हैं रक्त में बहुत सारे कण होते हैं उन सभी कणों की पूरी मात्रा में संतुलित मात्रा में वो बनने लग जाते हैं जिससे एनीमिया की शिकायत पूरी तरह से नष्ट हो जाती है ख़ास तौर पे उनको कहना चाहूँगा जिनके अंदर आयरन की कमी की वजह से उनको एनीमिया की शिकायत हो जाती है उनके लिए तो बहुत अच्छा ये साबित होता है लोबसम। रक्त विकार रक्त विकार में क्या होता है रक्त मने ब्लड और विकार मने डिजीज तो कहने का मतलब ब्लड में होने वाली बीमारियां अब ब्लड में तो भैया क्या होता है वात पित्त कफ भी दूषित होकर इनको दूषित करता है और तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देता है बैक्टीरिया वायरस या फंगस पहले इस ब्लड को दूषित करता है कुछ हम खा लेते हैं पी लेते हैं उसकी वजह से जो विषैले तत्व तैयार होते हैं उससे भी ब्लड दूषित हो जाता है तो कहने का मतलब अब हम इसे शुद्धि कैसे करें कई बार तो कई लोग कहते हैं जी अजी हमने तो अभी ब्लड टेस्ट करवाया जी उसमें तो कुछ नहीं आया अरे आपने तो सी करवाया जिसमें कंप्लीट ब्लड सेल्स जिसमें इन्फेक्शन किसी भी सेल्स में है तो वो आ जाएगा मगर ये जो रक्त की जो आपकी शुद्धि करनी है या मान लीजिए उसमें अशुद्धता आ गई है तो उसको दूर करने के लिए तो आपको वो उसमें टेस्टों में नहीं आता तो उसके लिए आपको अलग से अपना उपचार करना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ इसका कैसे इस्तेमाल करना है सूखे करेले लेने हैं पचास ग्राम गिलोय लेनी है पचास ग्राम मंजिष्ट लेनी है पचास ग्राम इन तीनों चीज़ों को ले कर पीस के पाउडर बना लें और उसमें 20 ग्राम लो बसम की मात्रा मिला के अच्छे से किसी डिब्बे में डाल के रख लें रोजाना सुबह और शाम को चौथाई चम्मच सुबह चौथाई चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से रक्त की शुद्धि हो जाती है और रक्त में उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं ना बीमारियां वो पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं उन्माद रोग उन्माद रोग आज के समय में बहुत से लोगों को हो जाता है इसमें क्या होता है कि हम एक तो दिमाग में बेचैनी सी बनी रहती है किसी भी काम को जल्दी 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 जल्दी, जल्दी करना है और किसी भी काम में मन ना लगना जो काम मन लगा के करने वाला था उसमें मन नहीं लगाते और जिस काम में मन नहीं लगाना चाहिए उस काम में मन लगाते हैं कैसे कह देते अरे तू पागल हो गया क्या ये काम कर रहे तेरे लिए तो Osionfish. तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था तो ये पागलपन को उन्माद कहा जाता है आप ये किसी भी तरह का हो सकता है अंदरूनी तौर पे बाहरी तौर पे किसी भी तरह से प्रकार के हो जाते हैं उन्माद रोग तो कोई बात नहीं किसी भी प्रकार का अगर आपको उन्माद रोग की शिकायत है या जो उन्माद रोगी जरा सी देर में हंसने लग जाते हैं और ज़रा सी देर में गाली गलोच करने लग जाते हैं मारने पीटने लग जाते हैं तरह तरह के उन्माद रोगी मिलते हैं तो आप उनको जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं उसको बंद मत कीजिए या जो भी उनका इलाज चल रहा है उसे बंद मत कीजिए साथ में आपने क्या करना है ब्रह्मी घास लेनी है पचास ग्राम अश्वगंधा की जड़ लेनी है पचास ग्राम और बच गुड़ बच बोलते हैं गुड़बच लेना है पचास ग्राम तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें इस पाउडर में बीस ग्राम लोभ मिला के रख लें और चौथाई चम्मच सुबह चौथाई चम्मच दोपहर को चौथाई चम्मच रात को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें तो कुछ ही समय में उन्माद की जो तीव्रता है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है और रोगी अपने आप को अच्छा दिन प्रतिदिन अच्छा महसूस करता चला जाता है अब धातु दुर्बलता धातु दुर्बलता में क्या आ जाता है जी हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं सप्त धातुएं का मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तो उसमें सप्त धातुएं आ जाती हैं तो उस धातु में से कोई भी धातु अगर मान लीजिए आपका रस धातु रक्त धातु या किसी भी प्रकार का जो धातु है आपका मांस में दस्त में मज्जा शुक्र किसी भी प्रकार का अगर धातु है आपका वो पूरी तरह से नहीं बन पाता या दिन प्रतिदिन किसी बीमारी के कारण वो शीन होता चला जा रहा है शीन होने का मतलब है कमजोर और कम होता चला जा रहा है तो उसके लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है इसका इस्तेमाल करना लोभसम आपने लेना है बीस ग्राम अश्वगंधा की जड़ लेनी है बीस ग्राम खरेटी के बीज लेने हैं बीस ग्राम इन सभी को पीस के पाउडर बनाना है और पाउडर बना के चौथाई चम्मच सुबह और चौथाई चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तेमाल करने से धातुओं की वृद्धि होने लग जाती है कहते हैं धातुएं पुष्ट ताकतवर और ज़्यादा मात्रा में अच्छे दिखने लग जाती हैं संग्रहणी कहने का मतलब आई आई में क्या परेशानी होती है जी हमारी बड़ी आंत जो होती है उसमें संकुचन फैलाव अच्छे से नहीं हो पाता जिससे मोटी भाषा में समझा देता हूँ कि वो हमारी जो आंतड़ियाँ हैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती जिसकी वजह से हमारे शरीर से ताकत भी ख़त्म होती चली जाती है और हमें बार बार मल त्याग करने भी जाना पड़ता है और कई ऐसे संग्रहणी के रोगी भी आपको देखने में आए होंगे जिनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो कहने का मतलब ऐसे रोगी के लिए लोभसम बहुत फायदेमंद है कैसे इस्तेमाल करना है लो भसम लेना है दस ग्राम जीरा मसाला लेके जो मसाले में जीरा डलता है ना वो लेके उसको पीस के पाउडर बनाना है और उस पाउडर को आपने क्या करना है अलग से रखना है और सौंफ आपने लेना है पचास ग्राम उसको पीस के पाउडर बनाना है वो भी अलग रखना है सूखे बेल लेने हैं पचास ग्राम इनको पीस के पाउडर बनाना है अलग रखना है अब आपने क्या करना है? जब पिसा हुआ पाउडर एक सारे तीनों के अलग अलग पाउडर बना लिए आपने रख दिया अब क्या करना है आपने किसी डिब्बे में साफ डिब्बे में डाल के तीनों पाउडर मिक्स कर दीजिए उसमें 20 ग्राम आप लो बसम डाल के अच्छे से मिला दीजिए एक चम्मच सुबह और एक चम्मच दोपहर को दही की लस्सी के साथ खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तेमाल करने से संग्रहणी आई की समस्या से छुटकारा मिल जाता है अच्छा हम थे मंदाग्नि में मंदाग्नि में होता क्या है कि हमारी जो पाचन अग्नि होती है ना वो मंद पड़ जाती है जो हम कुछ खाते हैं तो उसको पचाने का एक समय होता है तो जो मंदाग्नि वाले होते हैं उनका खाना देर से पचता है उनको भूख भी कम लगती है खाया पिया भी नहीं पचता तो उनके शरीर की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है तो कईयों को देखा होगा कईयों को क्या खास तौर पे आज के समय में आपने देखा होगा कि माएँ पीछे पीछे भागती हैं बच्चों के बेटा ये खा ले ये खा ले ये खा ले लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो आज के बच्चों की कद ना खींचने का सबसे बड़ा एक कारण हो जाता है मन दागनी। तो मन दागनी का और कद का बहुत बड़ा रिलेशन है वो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा फिलहाल आपको मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ कि मंद अग्नि को हम कैसे दूर कर सकते हैं सोठ 20 ग्राम काली मिर्च 20 ग्राम मग पीपल 20 ग्राम तीनों को लेके पीस के पाउडर बनाना है 10 ग्राम उसमें लोभ सब मिला के अच्छे से किसी डिब्बे में डाल के रख लें और करना क्या है कि चौथाई चम्मच पाउडर लेना है एक चम्मच देसी घी में लपेट के सुबह और एक चम्मच देसी घी में लपेट के शाम को लेना है कई लोगों को देसी घी अच्छा ही नहीं लगता और खासतौर पे आज के बच्चों को तो वो क्या कर सकते हैं कि इस पाउडर को चौथाई चम्मच पाउडर को ले कर एक चम्मच शहद में मिला के चाटें और ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पी लें तो ऐसा करने से पाचन अग्नि तिर हो जाती है और समय पर खाना हजम होता है और शरीर में भी खाया पिया लगता है प्रदर रोग की शिकायत महिलाओं में आज के समय में ज़्यादातर महिलाओं को पाई जाती है प्रदर रोग का मतलब लिकोरिया कहलाते हैं मार्ग से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम लिकोरिया कहते हैं और ये कई रंग का होता है मटमैले रंग का काले रंग का सफ़ेद रंग का पीले रंग का हरे रंग का इसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है और महिलाओं के शरीर में कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और इससे चिड़चिड़ापन शरीर में दर्दे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में कैसे इसका इस्तेमाल करके हम लाभ उठा सकते हैं मैं ये बताता हूँ आम की गुठली का जो गिरी होती है ना वो लेना है पचास ग्राम पतंग की लकड़ी पतंग की लकड़ी आती है उस लकड़ी का पाउडर बनाना है आपने वो लेना है पचास ग्राम लोदर पठानी वो लेना है पचास ग्राम लेके पीस के इन तीनों को पाउडर बना ले इसमें लो भसम बीस ग्राम मिला के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से लिकोरिया रोग की शिकायत हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है कई बार कई बच्चे जिम करते हैं ना जिम करते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे भाई साहब कुछ ऐसा चाहिए हमें जिससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हम ताकतवर बने रहें और हमें कमज़ोरी भी ना महसूस हो उनको कहना चाहूँगा कि अश्वगंधा की जड़ पचास ग्राम लें सिलाजीत 20 बीस ग्राम लें शुद्ध सिलाजीत और सतावर पचास ग्राम लें इन सभी को पीस के पाउडर बना लें और ठीक उसमें 50 ग्राम आंवले का पाउडर डाल दें ये भी हो गया अब उसमें हमने 20 ग्राम लोबसम मिला दिया हो गया अब इसमें हमने 100 ग्राम या 200 ग्राम शहद मिला देना है मिला दिया जी अब ये चटनी सी बन जाएगी ये चटनी आपने रोज़ाना सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात आपका शरीर जो बन गया ना वो कभी ज़िंदगी में नहीं बिल्कुल ढल सकता हमेशा एकदम ऐसे फिट दिखोगे और एनर्जी लेवल तो कभी घटेगा ही नहीं पेट में कीड़े की शिकायत बहुत से लोगों को बूढ़ों को बच्चों को जवान को हो जाती है और वो बहुत परेशान होते हैं बात करते हैं तो मुंह से पानी आता है पेट में दर्द होता है पेट में भारीपन ये सब पेट में कीड़े के लक्षण होते हैं और पेट ठीक ना रहना ये सब लक्षण पाए जाते हैं पेट में कीड़े की वजह से तो वाइवरिंग 50 ग्राम लेके कर उसमें 10 ग्राम मिला के और आपने क्या करना है वाइबडिंग का पाउडर बनाना है उसमें आपने लोभसम दस ग्राम मिलानी है और एक चम्मच सुबह खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले गुड़ के साथ या गुड़ के पानी के साथ या दूध में गुड़ मिला के या देसी खांड मिला के उस दूध के साथ सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और आगे कभी तंग नहीं करते हैं